नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। सचिवालय में बैठक चल रही है, मंत्रिमंडल के सदस्य बैठक में मौजूद हैं और कई बड़े फैसले प्रदेश से जुड़े लिए जा सकते हैं। प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके अलावा कोरोना की क्या स्थिति है और साथ ही साथ प्रदेश में बिजली कर्मचारी जो हड़ताल पर चले गए हैं, ये भी एक मुख्य मुद्दा चर्चा का विषय रहने वाला है। कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है क्योंकि आज सरकार के साथ बातचीत है विद्युत कर्मचारियों की, तो उससे पहले कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा होगी, फैसला भी लिया जा सकता है। सचिवालय में इस वक्त बैठक चल रही है, पुष्कर सिंह धामी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और उस पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है कैबिनेट बैठक को लेकर? कैलाश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? क्या अपडेट मिल पा रही है बैठक को लेकर? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देहरादून से बड़ी अपडेट आपको दे दें, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और प्रदेश के तमाम कैबिनेट मंत्री इसमें मौजूद हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कोरोना की क्या स्थिति है और क्या कुछ रियायतें देनी है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। कुछ बड़े फैसलों पर मोहर लग सकती है इसमें और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि चर्चा का विषय रहने वाला है वो ये कि विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं देर रात से, ऐसे में उनकी जो मांगे हैं उन पर चर्चा की जा सकती है। तो देहरादून से ये बड़ी अपडेट आपको दे दें, कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, क्या अपडेट मिल पा रही है कैबिनेट बैठक को लेकर? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि इस वक्त जो है उत्तराखंड के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो है कैबिनेट बैठक चल रही है। कैबिनेट के सारे मंत्री मौजूद हैं और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट में आज कई अहम फैसले वहां पर लिए जा सकते हैं, चाहे बिजली की बात करें, चाहे ग्रेड पे की बात करें, चाहे पावर कॉर्पोरेशन की जो मांगे हैं, उनमें से काफी जो मुद्दे हैं उन पर विचार किया जा सकता है प्रीति जी। और यहाँ पर वो कौन से ऐसे फैसले हो सकते हैं जिन पर मोहर लग सकती है? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि जैसे एसीटी का मामला है उस पर चर्चाएं होनी है और ग्रेड पे का जो पुलिस प्रशासन के जो मुद्दे थे, ग्रेड पे को लेकर जो मुद्दा था उस पर मोहर लगने की संभावनाएं है। साथ ही जो ऊर्जा निगम के जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उनका जो 14 सूत्री मांग है उनके भी कुछ बिंदुओं पर जो है मोहर लगने के आसार दिखाई दे रहे हैं जी। और यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि कितना समय हो चुका है इस बैठक को चलते हुए और आगे और कितनी देर ये चल सकती है? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि कुछ 11:30 बजे के लगभग जो है कैबिनेट मीटिंग शुरू हुई है और अभी मीटिंग जारी है। मीटिंग खत्म होने के बाद कैबिनेट के जब फैसले आएंगे तो कैबिनेट के फैसलों के बाद जो है जो उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता है सुबोध उनियाल, वो कैबिनेट के डिसीजन पर ब्रीफिंग करेंगे। उसके बाद वो बताएंगे कि क्या क्या डिसीजन जो है सरकार ने लिए गए हैं। प्रीति जी, नजर बनाए रखिए, आगे अपडेट हम आपसे इस पर लेंगे जब बैठक खत्म हो जाएगी। तो दर्शकों को बता दें कि बैठक अभी चल रही है और कई बड़े फैसले इसमें लिए जा सकते हैं, कई बड़े फैसलों पर मोहर लग सकती है। इस वक्त एक चर्चा का विषय है जो है विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल, उसको लेकर इसमें फैसला किया जा सकता है। इसके अलावा इस बैठक में शिक्षकों को सौगात मिल सकती है सरकार, इंटर कॉलेजेस में प्रिंसिपलों के खाली पदों को भरने में रियायत दे सकती है। तो ये कुछ बड़े फैसले कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और देहरादून से बड़ी अपडेट आपको दे दें, नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पदभार संभाल लिया है अपना। गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड की कमान संभाल ली है। कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। पूर्व सीएम हरीश रावत और देवेंद्र यादव भी इस दौरान मौजूद रहे। तो बड़ी अपडेट आपको दे दें, कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं। मुख्यालय के सामने कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी इस दौरान जब वो अपना पदभार ग्रहण कर रहे थे।
नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आज से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे, पदभार ग्रहण कर चुके हैं थोड़ी ही देर में। मुख्यालय के सामने कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और अब यहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। अब पार्टी की जो तमाम जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई है और यहां पर संगठन को मजबूत करने के साथ साथ चुनावों को साधने की भी पूरी जिम्मेदारी गणेश गोदियाल के कंधों पर है और काफी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया और मुख्यालय में पदभार ग्रहण का कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया जिसमें भारी संख्या में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और देवेंद्र यहां पर मौजूद रहे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 5 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों में भूस्खलन की चेतावनी भी जारी करके लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून ये ऐसे जिले हैं जहां पर आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं 28, 29 और 30 जुलाई को उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ में तीव्र बौछार के साथ भारी से भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इसके बाबत प्रशासन को भी यहां पर चेतावनी दे दी गई है। प्रशासन ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा है और लोगों से भी अपील ये की जा रही है कि नदी नालों के पास वो ना जाएं, जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले। लगातार मौसम की मार झेल रहा उत्तराखंड अब आगामी दिनों में एक बार फिर से मौसम की मार झेल सकता है और इसको देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से कुछ जिलों में यहां पर भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ बागेश्वर से मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बागेश्वर भी एक ऐसा जिला है जहां पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में यहां पर फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है और क्या यहां पर कोई नदी है जो कि खतरे के निशान के आसपास बह रही है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं अलर्ट को लेकर? मनोज, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी मैम, जी प्रीति जी बताइए, आवाज जोर जी। मनोज, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि बागेश्वर भी एक ऐसा जिला है जहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से आगामी दिनों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में क्या तैयारियां यहाँ पर देख पा रहे हैं और क्या कोई ऐसी जगह यहाँ पर जो कि संवेदनशील हो और उसके लिए स्पेशल कुछ यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है? जी, भारी बारिश के कारण बागेश्वर में 3 मकान ध्वस्त, 6 रोड बंद है अभी तक, जिसमें कपकोट मोटर मार्ग बंद है और देखा ही जाएगा कि जो प्रशासन आपदा प्रबंधन टीम है वो सुचारू रूप से लगी है और देखने का ये है कि विषय कि बारिश जो है ये एक आपदा के रूप में ज्यादा भूस्खलन की संभावनाएं हैं, इसमें भी प्रशासन ने कुछ गाइडलाइनें दे रखी है। जी, क्या यहाँ पर भूस्खलन की संभावना हो सकती है, क्योंकि भूस्खलन की संभावना जताई गई है, क्या ऐसे इलाके यहाँ पर हैं? मनोज, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे क्या बागेश्वर में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर भूस्खलन हो सकता है, क्या उनको एहतियात के तौर पर बंद किया गया है? जी, वो इसमें हमारे 6 सड़कें जो बंद कर दी है प्रशासन ने, उनमें अभी कार्रवाई भी चल रही है और देखने का ये है कि आगे को बारिश अगर इसी लेजेंड में बनी रहेगी तो बारिश का बड़ा ही भय बना है और इसके ऊपर प्रशासन ने सारी अपनी पूरी टीम लगाई है हर विभाग से, हर रूट पर, हर। जी शुक्रिया मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं लश्कर से संवाददाता गोविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या आपका जो इलाका है वो भी उसके लिए भी कोई अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं भूगोलिक उनके हिसाब से यहाँ पर क्या कुछ एहतियात बरते गए हैं? देखिए, बताना चाहूंगा जिस तरह से मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है उसमें जो है भूस्खलन की जो चेतावनी भी जारी की गई, साथ ही लोगों को सतर्क रहने के दिशा निर्देश भी दिए गए। जिस तरह से पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी और देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, मौसम विभाग के अनुसार
इन जिलों में मंगलवार को अत्यंत भारी बारिश के भी आसार हैं। शेष जिलों में भारी बारिश से बहुत बड़ी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा 28 तारीख और 29 और 30 को जिस तरह से टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में तीव्र बौछार और बहुत भारी बारिश के साथ बिजली गरजने की संभावना भी जताई जा रही है। इसको लेकर जो है प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रहा है। साथ ही जितने भी जो लक्षण से बाणगंगा और लील अति संबंधितशील जो गांव है उसमें प्रशासन की तरफ से अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही अगर कहीं अधिक बारिश के चलते या बाढ़ के की आशंका के चलते लोगों को जो है बचाव राहत के शिविर के लिए एनडीआरएफ की टीम भी लगाई गई है, जल पुलिस भी लगाया गया, स्थानीय पुलिस को भी लगाया गया। साथ ही अगर अधिक किसी तरह की बाढ़ की आशंका होती है तो इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा। जी, लक्सर के वो कौन कौन से इलाके हैं जो कि भारी बारिश या भूस्खलन के बाद प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, लक्सर विधानसभा के तकरीबन 20 गांव ऐसे हैं जो अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। लगातार इसमें बारिश के चलते जिस समय पहाड़ों पर लगातार बारिश होती है तो देखा जा सकता है कि जो मैदानी क्षेत्र है वो अधिक बारिश के चलते यहाँ पर जो है बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इसलिए खानपुर क्षेत्र के 20 गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जी, तो यहाँ पर क्या आसपास राहत शिविर लगा दिया गया है पहले ये? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा प्रशासन अलर्ट मोड पर है, राहत बचाव शिविर लगा रखा है, जो बाढ़ राहत चौकियां उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही जो गांव है अति संबंधितशील गांव है उनके लिए एक प्रशासन ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, दिन में जनप्रतिनिधि और अन्य समाज सेवियों को भी जोड़ा गया। किसी भी आशंका को देखते हुए व्हाट्सएप ग्रुप से सूचनाएं दी जाएगी और प्रशासन इसलिए राहत जो शिविर है उसकी भी तैयारी करने में लगा हुआ है। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। तो जो संवेदनशील इलाके हैं उनमें खासतौर पर यहाँ पर एहतियात के तौर पर तमाम कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे उत्तराखंड की और खबरों के साथ। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है, बस बातें करवा लो इनसे। मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनके लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। आंतरिक विकारों को जाने, मौसमी बीमारियों से पाए नजार, MBBS MD जनरल मेडिसिन डॉक्टर नवतेज सिंह से जाने। देखिए आपका डॉक्टर आज दोपहर 2 बजे सिर्फ खबर फास्ट पर। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत ना हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता,
कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार, मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कार्यक्रम और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के त्रियुग्नी नारायण गांव की ग्रामीण अस्पताल की मांग को लेकर 13 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक सैकड़ों लोग इस धार्मिक स्थान पर आते हैं, पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा ना होने से यहाँ लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई बीमार हो गया है तो किसी को दवाई के लिए 30 किलोमीटर दूर रुद्रप्रयाग जाना पड़ता है। और वहीं आंदोलन खत्म करने के लिए प्रशासन ने मौके पर तहसीलदार को भेजा, लेकिन ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर तहसीलदार को वापस लौटा दिया। हम कार्मिक संताई, यदि सरकार ने हम 10 दिन का और एक्सटेंशन कार्मिक के लिए दे रहे हैं, उसके पश्चात हम 10 दिन के बाद आमरण अनशन करेंगे, चाहे हम अपना जीवन ही समर्पित कर लें, लेकिन हम अपने भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए इस 21वीं सदी में भविष्य बर्बाद होने नहीं। हाँ, आज यहाँ पे त्रिवेणी नारायण में ग्रामवासियों का जो है स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित हड़ताल लगातार 10वें 12वें दिन तक अभी जारी है। इनकी मांग भी जेन्यून है और ये चाह रही है यहाँ पे जो है परमानेंट हॉस्पिटल या डॉक्टर की पोस्टिंग की जाए, जिसमें ग्रामवासियों द्वारा जो है आज ज्ञापन दिया गया है इस संबंध में, जिसको कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को शाम को प्रेषित कर दिया जाएगा और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर ग्रामीण अस्पताल की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गए हैं। तहसीलदार पहुंचे थे इस अनशन को खत्म कराने के लिए, लेकिन उन्हें ही वापस भेज दिया गया। नरेश भट्ट रुद्रप्रयाग से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। नरेश जी, क्या है ये पूरा मामला? जी प्रीति, मैं बता दूं, लंबे समय से दूरस्थ क्षेत्र के जो बीमार क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है, लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं की मांग करता है। बता दूं भले ही यहाँ पे ये सरकार के द्वारा एक फार्मासिस्ट की व्यवस्था जो की जाती है, लेकिन जो ये फार्मासिस्ट की व्यवस्था की जाए वो ना काफी साबित है। साथ ही बता दूं कि 3,000 से 4,000 की आबादी का ये क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सबसे अधिक अगर पीड़ा किसी को होती तो वो गर्भवती महिलाओं को और बुजुर्गों को, जिनको की ग्रामीणों के द्वारा डंडे और कंडी के सारे ले जाए जाता है। लगातार 15 दिनों से यहाँ पे कर्मी कंसन पे बैठे हैं और हॉस्पिटल की मांग करते आ रहे हैं। केवल अभी तक तहसीलदार पहुंचे थे लेकिन उनको भी लौटा दिया गया, क्या कोई और अधिकारी पहुंचा है इनसे मिलने के लिए? जी मैं बताऊँ, जैसे मेरे मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात हुई, मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना यही है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई परमानेंट पोस्ट या परमानेंट फार्मेसिस्ट रखने की व्यवस्था नहीं है। जी शुक्रिया नरेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठ गए हैं और आके भूख हड़ताल तक की चेतावनी ग्रामीणों की तरफ से दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा है। कांवड़ियों को राज्य में प्रवेश ना देने के लिए उत्तराखंड की सीमाओं पर पुलिस का पहरा लगा दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैदी के साथ खड़ी है। ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरने वालों पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। और वहीं उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर से होकर गुजरने वाले प्रत्येक वाहन की सघन चेकिंग की जा रही है और साथ ही राज्य में उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा जिनके पास कोरोना की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट होगी। सरकार के द्वारा स्थगित कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी संबंध में स्पष्ट आदेश कर दिए गए हैं, तो इन्हीं आदेशों का पालन कराने के लिए पुलिस की यहाँ ड्यूटी लगी हुई और हमारे द्वारा कड़ी चेकिंग की जा रही है। जिनके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है उनकी तो हम पहले से भी उनको वापस भेजते थे,
और इसके अलावा जो कावड़ के लिए आने जल लेने के लिए आ रहे हैं उनको हम अभी से वापस भेज रहे हैं। सर हरिद्वार के लिए जैसे कुछ पैदल यात्री भी पहुँच रहे होंगे उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? नहीं, पैदल यात्री हाईवे में अभी तक तो मिले नहीं है, यदि मिलेंगे और वो जल लेने जा रहे हैं तो उनको भी रोका जाएगा। सफाई कर्मचारी संगठन संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सफाई कर्मचारियों की सभी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा, समस्या के उचित समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मोहल्ला स्वच्छता समिति के सफाई कर्मियों को 10,000 प्रति महीने मानदेय देने पर विचार किया जाएगा। तो सीएम ने यहाँ पर उचित समाधान का आश्वासन दिया है। दरअसल यहाँ पर संयुक्त मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। सफाई कर्मचारी जो हैं उनके पदाधिकारियों ने सीएम से मिलकर अपनी मांगें उनके सामने रखी, अपनी समस्याएं उनके सामने रखी, जिसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से संगठन को ये भरोसा दिलाया गया कि हर संभव सहायता उनकी की जाएगी और जितना हो सकता है वो सरकार की तरफ से उनके लिए किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की ओर से कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां पूरी हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री खुद स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। 6 जिलों के दौरे में 19 अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। विभाग को पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है। अगर संभावित तीसरी लहर उत्तराखंड में आती भी है तो स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर पूरी तरह से तैयार है। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की जनता को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं और संभावित तीसरी लहर के लिए हमने पूरी तैयारी की है। मैं अभी 6 जिलों के दौरे से आ रहा हूँ, लगभग 19 हॉस्पिटलों का मैं दौरा करके आ रहा हूँ और हमारे मुख्यमंत्री जी और मैं हमें चाहते हैं कि कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे हमारे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारे CAC हो, चाहे हमारे PAC हो, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगी। पूरे उत्तराखंड में सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तरकाशी देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मियों ने नगर पालिका परिसर में सांकेतिक धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सफाई कर्मियों ने नियमितीकरण, ठेका प्रथा खत्म करने और पदोन्नति समेत बीमा सहित कई मांगों को लेकर अपना आंदोलन तेज कर दिया है। उत्तराखंड में पहली बार प्री वॉलीबॉल लीग प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड के वॉलीबॉल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा मौका मिलने जा रहा है। नगर आयुक्त नरेंद्र केरियाल ने फीता काटकर अधिकृत वेबसाइट की लॉन्चिंग की। बता दें कि प्रतियोगिता का आयोजन 20 अक्टूबर से शुरू होगा और करीब 20 मैच इसमें होंगे। हर टीम में 4 खिलाड़ी अन्य राज्यों से होंगे जबकि 8 खिलाड़ी उत्तराखंड से शामिल होंगे। लीग में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल होने जा रहे हैं। अब तक 40 खिलाड़ियों का पंजीकरण हो चुका है। निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रमों से युवाओं में ऊर्जा का संचार होगा और उत्तराखंड की जो विभूतियां हैं उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। इसमें एक बहुत आकर्षक चीज़ है, जो टीम जीतेगी और अगर वो निरंतर 3 सालों तक जीतती है, आगे भी जब हम ये कराएंगे इस तरह की लीग, तो उनको 3 साल बाद बहुत अच्छे पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। वॉलीबॉल लीग का जो आज यहाँ पे वेबसाइट का जो विमोचन किया गया है, इससे पहले तो ये पढ़ाओ कि हम लोगों ने उत्तराखंड के जितने भी वॉलीबॉल के हमारे प्लेयर्स हैं इनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। मैं समझता हूँ उसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रतिभा करेंगे तो उसमें उत्तराखंड के जितने भी हमारी प्रतिभाएं हैं जो वॉलीबॉल की दिशा में खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, उनको बहुत बड़ा मंच मिलेगा। और क्योंकि ये दोनों कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, वहाँ से प्रतिभाएं चुन के आएंगी तो उन लोगों को जो एक तो प्लेटफॉर्म मिलेगा, दूसरा आपके जो यहाँ मार्गदर्शन में, क्योंकि ये जो टीम है ये पूरे स्टेट लेवल की है तो उसमें एक अच्छा सा उनको जो है काम करने का मौका मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।